हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में आलू का भुजिया, एकदम आसान और सिंपल तरीके से, और झटपट से बन भी जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। देखिए, भुजिया बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आलू को छील के और काट के रख लिए हैं। आलू को हमने लंबे लंबे शेप में ही काटा है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम उसमें सरसों डाल देते हैं। सरसों डालने के बाद हम इसे चला लेंगे। जब सरसों का कलर चेंज हो जाएगा तब हम तेल डालेंगे इसमें। तो चलिए तेल डाल देते हैं हम इसमें। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगेगा क्योंकि भुजिया को हमें क्रिस्पी बनाना है। तेल को गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 6 से 7 लाल मिर्च डाल देते हैं। आप चाहे तो मिर्च को तोड़ के भी डाल सकते हैं इसमें। अगर मिर्च ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालें, इतना ना डालें इसमें। देखिए, मिर्च का कलर चेंज हो गया है। तब हम इसमें सारे काटे हुए आलू को डालेंगे। चलिए हम आलू को डाल देते हैं इसमें। आलू का भुजिया जितना पतला रहता है उतना क्रिस्पी बनता है। भुजिया डालने के बाद हम इसे ऊपर नीचे करके चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद ऊपर नीचे करके हम इसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। अब चलिए स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं हम इसमें। नमक डालने के बाद हम इसे चला देंगे। ये भुजिया बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि छोटे आलू से ही बनाए, बड़े आलू से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये मौसम में छोटे आलू से बनाए तो अच्छा लगता है खाने में। चलिए हम इसे ढक देते हैं 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को बाहर निकाल लेंगे। चलिए हम इसे चला देते हैं। अगर ज़्यादा टाइम हम इसे ढक के रखते तो फिर ये भुजिया टूट जाता, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनता अच्छी से। हमें इसे खुले में ही पकाना है 5 मिनट तक। जब हम भुजिया को खुले में पकाएंगे तो गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, जिससे कि फटाफट से फ्राई हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा भुजिया। जब भी आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो इस तरह से भुजिया बना के खा सकते हैं। देखिए, भुजिया का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन भी हो चुका है। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये भुजिया बना के आप रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। जब भी आपको मसाले वाले सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो इस तरह से सब्जी ये भुजिया बना ले। अगर आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे।